नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों में रचना को चमत्कार कहा गया है और चमत्कार पर मानव का कोई अधिकार नहीं रहता। वो तो जब ईश्वर अपनी अनुभूति कराता है तो वो नूर बन के आसमान से उतरता है, तो किसी बिस्मिल्लाह खां की सहनाई में उतर आता है, किसी कबीर मीरा में भजन बनकर गुनगुनाता है, कभी जगजीत सिंह बनकर गजल जगमाता है। तो दोस्तों, आज हम उस शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसने गजल को अमर बनाया और गजल का पर्यायवाची बन गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्जा गालिब की। दोस्तों, मैं महफिले गालिब में आपको खुशामदीद कहता हूं। 27 दिसंबर 1797 में ताजमहल के शहर आगरा में मिर्जा अब्दुल्ला खां के घर एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम असदुल्ला खां रखा जाता है। 5 वर्ष का हुआ तो इसका बाप चला गया। 9 वर्ष का हुआ तो जिस चचा ने पाला था वो भी रुखसत हो गया। एक भाई बचा, वो पागल हो गया। जिंदगी से अकेला टकराते हुए इस बच्चे को मिर्जा गालिब के नाम से पुकारा गया और उसने उर्दू गजल में वो चांद सितारे टाके कि हर कोई कह उठता है खुदा बख्शे कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता क्या होता। लोग अक्सर कहते हैं, है और अब दुनिया में सुकनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां कुछ और। वो आए थे और चले गए पर अपने निशान छोड़ते गए, उनका जादू हमेशा बरकरार रहेगा। कायनात की महफिल में जब कभी भी क्यों और क्या की जुस्तजू, जिज्ञासा या बेचैनी पैदा होती है तो दुनिया करवटें बदलती है। मिर्जा गालिब अपने अहद में एक ऐसा मोइज़ा थे कि उन्होंने मजहब से भी सवाल पूछा, जिंदगी से भी सवाल पूछा, खुद से भी सवाल पूछा। वो अपनी पैदाइश से ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था, जो ना था खुश तो खुदा था, जो ना होता मैं खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। मिर्जा गालिब ता उम्र अपनी खुददारी, अपने ईगो, अपने अंदाज के साथ जिंदा रहे। उन्हें किसी मजहब के दायरे में, किसी आस्था के दायरे में, किसी समाज के दायरे में, किसी देश की सरहदों के दायरे में ना तो कैद किया जा सकता था ना किया जा सकता है। वे पूरी दुनिया के बासिंदे थे। उन्होंने नानक की तरह, कबीर की तरह, तुलसी की तरह मोहब्बत का पैगाम दिया था और उन्होंने कहा था, तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, कुछ भी ना रहेगा गर मोहब्बत ना रहेगी। मिर्जा गालिब की पूरी शायरी इंसान की तलाश की शायरी थी। इंसान और आदमी में मिर्जा गालिब ने फर्क किया था। उन्होंने कहा था, आदमी रोज रोज पैदा होते हैं, इंसान कभी कभी नूर बनकर आसमान से उतरता है। उन्होंने कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। एक बार 1857 में पकड़े गए तो अंग्रेज ने पूछा, वेल मिस्टर गालिब, तुम्हारा धर्म क्या है, मजहब क्या है? इस पर उन्होंने कहा, मैं आधा मुसलमान हूं। इस पर अंग्रेज ने पूछा, ये आधा मुसलमान क्या होता है? तो गालिब ने कहा, मैं शराब पीता हूं मगर सुअर नहीं खाता। गालिब को एक बार पता चला कि मेरठ में सस्ती शराब मिलती है तो वे 2 गधे लेकर मेरठ से शराब भरकर पैदल पैदल दिल्ली आ गए। गालिब की खुददारी की मैं एक मिसाल दूं आपको, तो किसी ने गालिब पर रहम खाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी लगवा दी। तो गालिब पूरी शान के साथ, पूरी आन के साथ, पूरे एहतराम के साथ पालखी में बैठकर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे और इंतजार करने लगे कि कोई उनका स्वागत करने आए। तो जो वहां पर अंग्रेज प्रिंसिपल था दौड़ा दौड़ा आया, उसने गालिब का स्वागत किया और कहा, वेल मिस्टर गालिब, अब आप यहां नौकरी करने वाले हैं, मैं रोज रोज आपका स्वागत करने नहीं आऊंगा। इस पर गालिब ने कहा, हमने सुना था कि इंसान नौकरी इज्जत कमाने के लिए करता है, परंतु जिससे इज्जत ही कम हो जाए वो नौकरी हम नहीं करते। गालिब ने इतना कहा और यूनिवर्सिटी के गेट से वापस लौट गए। उस समय मुगल दरबार के दरबारी शायर थे जौक। एक बार जौक को आते हुए देखकर
मिर्जा गालिब ने शेर कहा, बना है शाह का मिरासिम तो इतराता है। इस पर जोंक ने मिर्जा गालिब की शिकायत बादशाह से की। बादशाह ने मिर्जा गालिब को दरबार में तलब किया और कहा, आपने दरबारी शायर का अपमान किया है। इस पर मिर्जा गालिब ने कहा, मैं तो शेर पढ़ रहा था। तभी वहां से जोंक का गुजरना हुआ, वरना मेरा जोंक से कोई मतलब नहीं। इस पर शाह ने कहा, जरा हम भी तो सुने कि वो शेर क्या है। इस पर मिर्जा गालिब ने शेर पढ़ा, बना है शाह का मिरासिम तो इतराता है, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। इस शेर को सुनकर पूरी महफिल वाह वाह से गूंज उठी। इस पर शाह ने कहा, जब शेर इतना शानदार है तो पूरी गजल कितनी शानदार होगी, हम पूरी गजल सुनना चाहेंगे। इस पर गालिब ने पूरी गजल पढ़ी, हर एक बात पे कहते हैं कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये थे गालिब। खुदा बख्शे कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यू होता तो क्या होता। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।